हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंटेनर के बारे में। BS4 गाड़ी में एक कंटेनर क्यों लगा के दिया हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये ख़राब हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैकेनिक टीवी पर चल रहा है एक बड़ा कॉन्टेस्ट, ठीक है दोस्तों। उसमें आप 10,000 रुपये जीत सकते हैं। 10,000 रुपये आप कैसे जीत सकते हैं? सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, एक ऐसी वीडियो शूट करके आपको मैकेनिक टीवी ऐप को देना है। आप ऐसी वीडियो देनी जो कि आपने अपने तजुर्बे से या अपनी तरफ से उस फॉल्ट को ठीक किया हो, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा और कुछ नहीं करना है, और उसमें आपको भाग ले लेना है। वो वीडियो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे, मैकेनिक टीवी के व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे देनी है, और वो वीडियो वो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, मैकेनिक टीवी ऐप पे अपलोड करेंगे। और आपकी वीडियो में अगर आता है सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा लाइक, तो आप जीत सकते हैं 10,000 रुपये। तो दोस्तों देर किस बात की, तो जल्दी से जल्दी भाग लीजिए, भारी से भारी संख्या में भाग लीजिए और बन जाइए 10,000 रुपये के मालिक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी मैकेनिक टीवी को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए, तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं, फिर इसके काम करने के बारे में देख लेते हैं, फिर ये ख़राब होता है तो क्या प्रॉब्लम गाड़ी में आ सकती है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो एयर वाला है, ये एयर वाला होता है, ये पैशन प्रो गाड़ी मेरे पास है। ये देखिए दोस्तों पैशन प्रो i3s है, और दोस्तों इसमें मैं आपको डिटेल पूरी बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो ये वाली पाइप होती है, ये आपकी जो है पेट्रोल टैंक में लगती है, ठीक है दोस्तों। पेट्रोल टैंक में कहाँ लगती है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों पेट्रोल टैंक में यहाँ पे लगती है ये वाली पाइप लगती है, और ये वाली हमारी जो होती है ये काय के लिए होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी जो आपका कंटेनर की पाइप होती है ये होती है, और ये वाली पाइप काय के लिए ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो मोटी वाली पाइप होती है वो इसके लिए होती है, यहाँ से पानी आपका जो होता है ये भर ना पाए, इस वजह से ये यहाँ पे के लिए होती है। और जो पतली वाली जो पाइप होती है वो इसके लिए होती है, ठीक है दोस्तों। ये क्यों होती है? तो दोस्तों ये एयर जाने के लिए होती है, ताकि आपकी जो टंकी है जो मतलब कि एयर ना फंस पाए, और एयर अगर नहीं फंसेगी, अगर एयर इसमें फंस जाएगी तो यहाँ से पेट्रोल आपका नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो पहले की गाड़ियाँ होती थी उनमें खाली ढक्कन में छेद दे दिया जाता था, इन ढक्कनों में छेद दे दिया जाता है इस तरीके का। ये देखिए ये छेद दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बहुत सी गाड़ियों में पहले पुरानी गाड़ियों में था, उसमें छेद इसमें डायरेक्ट इसमें चाबी की जगरिया से दे दिया जाता था, और वहाँ से ही एयर पास होती थी। तो दोस्तों जैसा कि टैंक में हमने दिखाया था, एक पतली वायर थी एक मोटी पाइप थी। तो दोस्तों पतली वाली पाइप के लिए ये होता है, और मोटी वाली के लिए होता है। ये हमारा जो होता है एयर के लिए होता है, ये जो होता है ये हमारा पानी के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। ये पानी के लिए यहाँ से ये सीधा आपका नीचे चला जाता है, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारी टैंक है, जो टैंक में कनेक्ट होती है ये पाइप हमारी कहाँ जाती है। तो दोस्तों यहाँ से कनेक्ट होकर के ये दो हो जाती है, और यहाँ एक कंटेनर लगा रहता है, ये एयर के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यहाँ से एक फ़िल्टर लगा होता है, और एक फ़िल्टर ये डायरेक्ट इसमें जाता है, ठीक है दोस्तों। ये किस लिए होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये डायरेक्ट टैंक से कनेक्ट होता है, ये टैंक लिखा हुआ है इसमें, देखिए दोस्तों ये टैंक से कनेक्ट होता है, और इसमें जो एयर जाती है टैंक से होकर के इसमें एयर जाती है, तो वो क्लीन होकर के उसमें से यहाँ से रिटर्न होकर के इसमें आती है, ठीक है दोस्तों। इसमें आ करके ये हमारी कहाँ कनेक्ट होती है, ये हमारी कार्बोरेटर में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इधर के हमने कनेक्शन चेक कर लिया, अब हम जाते हैं उस साइड की ओर। तो अब आ जाते हैं इधर साइड में, ठीक है दोस्तों। इधर दो पाइप है, एक ये पाइप है और एक नीचे पाइप है, ये लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दोनों पाइपें हमारी एयर की है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी एयर जो होती है क्लीन करने की पाइप होती है, जो एयर हमारी यहाँ से ऑब्जेक्ट लेती है और ये एयर क्लीन करती है, दोनों एयर के लिए होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल करके। तो ये देखिए दोस्तों इसमें मिट्टी और डस्ट जमा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से एयर पास होती है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एयर, ठीक है दोस्तों, ये दोनों एयर के लिए होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एयर के लिए होती है, इस वजह से ये यहाँ से दोनों एयर जाती है, और वहाँ से आपका जो फंक्शन जो होता है कंटेनर का काम करता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ से एयर ले करके यहाँ पे जो आपका जो पेट्रोल होता है, जो आपके पेट्रोल की जो एयर दोनों मिक्सर करके यहाँ से आपको सप्लाई देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सप्लाई देता है, और यहाँ से आपका जो टैंक की एयर होती है वो यहाँ से सप्लाई करके यहाँ जाती है, और जो पेट्रोल आपका जो यहाँ से कनेक्ट होता है, जो पेट्रोल की पाइप कनेक्ट होती है, वो जो आपका पेट्रोल जो होता है ऊपर उड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा BS3 गाड़ियों में पेट्रोल जैसे टैंक भर जाता है और 2 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, तो आपके जो हल्की हल्की ऊपर लपट आती है पेट्रोल की,
वो इसीलिए होती थी क्योंकि यहाँ से एयर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब ये पाइप लगा दिया तो वो पूरा जो एग्जॉस्ट होता है पूरा उसी में रिटर्न ले लेता, रिटर्न ले करके इसमें क्लीन करता, क्लीन करके यहाँ से क्लीन करके इसमें कार्बोरेटर में सप्लाई दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको पॉल्यूशन भी कम आता है, ठीक है, परफॉर्मेंस जो होती है वो भी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर ख़राब हो जाए तो हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ख़राब कहाँ से होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो होता है इसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली एक कार्बन लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन वाला फिल्टर लगा होता है। और दोस्तों ये ख़राब कहाँ से होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको उधर साइड जा कर के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपकी जो एज ये बंद हो जाएगी, एयर बंद हो जाएगी, और यहाँ से जो होती है ये हमारी एयर बंद हो जाएगी, दोनों चीज़ों से एयर बंद हो जाएगी, तो गाड़ी की जो हमारी एयर अगर इसमें पास नहीं करेगी, जब पास नहीं करेगी तो हमारा कंटेनर से एयर नहीं जाएगा, और कंटेनर में एयर नहीं जाएगी तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं आएगा, और पेट्रोल नहीं आएगा तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी, मिसिंग प्रॉब्लम करेगी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लमें आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा ये कंटेनर हमारा किस लिए लगा हुआ है। दोस्तों ये कंटेनर हमारा जो पेट्रोल होता है वो फिल्टर करने के लिए लगा हुआ है, और जो पेट्रोल को अच्छी मात्रा में एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स करके देता है, इसीलिए ये कंटेनर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या, इसे खराब होने से क्या नुकसान होता है, हमारी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, मिसिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।